जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली करंट अफेयर लाते रहते हैं जेपीएमडी पर। ये सारे वीडियो हैं हमारे, ये सारे करंट अफेयर के वीडियो हैं जिसका प्ले लिस्ट इस पर अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं हमारे। कल हम लोग ने 4K वीडियो डाला था, आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये सारे वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं हमारे, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियो हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आपका स्वागत है जेपीएमडी में। आपके बहुत कमेंट मिले हैं और वीडियो पर अच्छे व्यू भी आए हैं। लगता है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। इसी भरोसे के साथ हम आपको अपना बेस्ट देंगे। आज आपको करेंट अफेयर का रिवाइज एडिशन मिलेगा। आपको बस हमारी बातों को सुनना है और विजुअल देखने हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। इस वीडियो को एक शॉर्ट फिल्म की तरह देखेंगे तो मनोरंजन भी होगा और आज की दुनिया में क्या हुआ सब आपको मूवी की तरह समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। हम आपको किसी भी न्यूज़पेपर से पहले न्यूज देते हैं क्योंकि हमें एट ए टाइम न्यूज मिलता है। अगर आप भी हमारी टीम का सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर इंटरेस्टिंग विजुअल मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट मौजूद है, हम आपको रिप्लाई करने का जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति इंग्लैंड गए हैं। केरल मूवी पर बवाल हुआ है। नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे हैं, ये सब आपको जानने को मिलेगा। गो फर्स्ट एयरलाइंस फिर से 12 तक बंद हुआ है। ये सारे न्यूज के बारे में आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको देखना चाहिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द केरल स्टोरी के बारे में भी न्यूज आया है। नीतीश कुमार भी विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे हैं और बहुत सारे न्यूज है। इन सब के बारे में आपको आगे देखने को मिलेगा। आज का न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राजकुमार संतोषी भी अपने फिल्म के बारे में कुछ बताए हैं। ये सब कुछ भी आगे आपको मणिपुर में दंगा के बारे में आपको जानने को मिलेगा। हल्दी में मिलावट के बारे में जानकारी है। जूते के चोरी के बारे में जानकारी है। आगे बहुत सारे वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप अंत तक देखें। द केरल स्टोरी पर रोक लगने से एससी ने किया मना, कहा आईएसआईएस के खिलाफ है फिल्म। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर देखने के बाद इसकी रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है। पीठ के जज जस्टिन एन नागरेश ने कहा, फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जो इस्लाम के खिलाफ हो? किसी धर्म के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, केवल आईएसआईएस के खिलाफ दिखाया गया है। गो फर्स्ट ने 12 मई तक रद्द की अपनी सभी उड़ानें। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप की दौड़ में फिलहाल कौन कौन है शामिल? आईपीएल 2023 में आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी 9 पारियों में 466 रन बनाकर ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। डुप्लेसी के बाद राजस्थान रॉयल के यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने 10 पारियों में 442 रन बनाई है। सीएसके के डेवन कॉनवे 414 रन, गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल 375 रन और आरसीबी के विराट कोहली 364 रन अन्य दावेदार हैं। इस फिल्म ने आतंकी साजिश का खुलासा किया है। द केरल स्टोरी को लेकर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेलारी में एक चुनावी जनसभा में द केरल स्टोरी का जिक्र कर कहा, फिल्म ने केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा किया है। उन्होंने कहा, समाज को खोखला करने वाली इस आतंकी साजिश की आवाज नहीं होती। कांग्रेस समाज को बर्बाद करने वाली इस आतंकी सोच के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो को एस जयशंकर ने बताया आतंक के कारोबार का प्रवक्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को आतंक के
कारोबार का प्रमोटर और प्रवक्ता बताया है। एससीओ की बैठक के बाद जयशंकर ने कहा, आतंक के पीड़ित आतंक पर चर्चा के लिए मुजरिमों के साथ नहीं बैठते। उन्होंने कहा, भूटो एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर आए हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखते। भारतीय बैंकों में रूस के अरबों रुपये जमा हैं जिसे वह इस्तेमाल नहीं कर सकता, लावरो। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो ने कहा है कि भारतीय बैंकों में रूस के अरबों रुपए जमा है जिसे वह इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, इस्तेमाल करने के लिए इसे दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट करना होगा। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत रूस ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार से जुड़ी बातचीत को स्थगित कर दिया है। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सिडनी के हिंदू मंदिर में लिखे गए भारतीय विरोधी नारे। सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित एक स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मंदिर के गेट पर एक खालिस्तानी झंडा भी लगा हुआ था। गौरतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 मई को क्वाड समिट में भाग लेने के लिए सिडनी जा सकते हैं। वास्तविकता स्वीकार लें, अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है। इससे जुड़े एक सवाल पर जयशंकर, किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में शामिल होने उपराष्ट्रपति धनकर पहुंचे लंदन। एयरबैग में गड़बड़ी के कारण बीएमडब्ल्यू ने अमेरिका में 90,000 कारें मंगाई वापस। इससे अधिक और क्या चाहिए, पीएम मोदी के केरल स्टोरी पर बात करने को लेकर निर्माता। ढाका से काठमांडू जा रहे विमान में आई तकनीकी खराबी, पटना किया गया डाइवर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में भारतीय मूल की नीरा टंडन हुई नियुक्त। तेलुगु एक्टर व कॉमेडियन ब्रह्मानंदन ने कर्नाटक में बीजेपी के लिए किया चुनाव प्रचार। धन्यवाद जेपीएमडी से जुड़ने के लिए। लंदन के किंग चार्ल्स तृतीय की हुई ताजपोशी। लंदन के वेस्टमिंस्टर आबी में शनिवार को यानी आज एक समारोह में चार्ल्स तृतीय को किंग्स का ताज पहनाया गया। इस दौरान किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला को भी ताज पहनाया जाएगा और अब उन्हें आधिकारिक तौर पर क्वीन कैमिला कहा जाएगा। पिछले साल 8 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स को खुद बखुद राजगद्दी मिल गई थी। साल का पहला इवेंट और पहला स्थान, नीरज चोपड़ा के दोहा डायमंड लीग जीतने पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के दोहा डायमंड लीग जीतने पर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके थ्रो का वीडियो शेयर कर लिखा, साल का पहला इवेंट और पहला स्थान। दोहा में 88.67 मीटर की वर्ल्ड लीड थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा चमके, उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं। हिंसा के चलते मणिपुर में NEET UG की परीक्षा हुई स्थगित, नई तिथि का बाद में होगा ऐलान। सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों की तस्वीर जारी की। भारतीय सेना ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों की तस्वीर जारी की है। भारतीय सेना ने कहा, भारतीय सेना हवलदार नीलम सिंह, नायक अरविंद कुमार, लास नायक RS रावत, पैरा ट्रूपर प्रमोद नेगी और पैरा ट्रूपर सिद्धांत छेत्री के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। हम शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। ताजपोशी से पहले ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के ताज की तस्वीर आई सामने।
पीएम मोदी होंगे फ्रांस के बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि बनने का फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पेरिस में होने वाली परेड को लेकर सरकार ने कहा, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल फ्रांसीसी बलों के साथ परेड में हिस्सा लेगा। मैक्रोन ने हिंदी में ट्वीट कर खुशी जताई है। कचरा प्रबंध न कर पाने को लेकर बिहार सरकार पर एनजीटी ने लगाया 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना। नीरज चोपड़ा ने 0.04 मीटर के अंतर से जीती दोहा डायमंड लीग। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 0.04 मीटर के अंतर से दोहा डायमंड लीग जीत लिया है। नीरज ने 88.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि दूसरे स्थान पर रहे याकूब वर्डलेज ने 88.63 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। नीरज ने पिछले साल डायमंड लीग ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था। पाकिस्तान ने पहली बार हासिल किया नंबर 1 वनडे टीम का स्थान, भारत और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच जीतकर पाकिस्तान ने इतिहास में पहली